दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत सप्ताह समारोह के दौरान अंतिम दिन सोमवार को दीक्षा भवन में त्रिवेणी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण एवं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव प्रोफेसर उषा सिंह ने दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत गाकर किया गया। त्रिवेणी सांस्कृतिक संध्या में भरतनाट्यम कथक और नाटक का कलाकारों ने मंचन कर दी प्रस्तुति, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को अपनी अपनी रचनाओं को कविता एवं गीतों द्वारा प्रस्तुत करने का मंच दिया गया। त्रिवेणी सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम के प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण सिंह सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी और शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर गौरव पुन्नी से बात करते हुए कार्यक्रम की सह संयोजिका एवं ललित कला और संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने बताया। The devotee is fascinated to have a look at not only the beautiful divine sweet form of Lord Krishna, but also the very existence of the Lord by means of his moves, glances, plays, pastimes, etc. Madura
दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ये सांस्कृतिक समारोह त्रिवेणी का आयोजन हो रहा है और ये दीक्षांत सप्ताह का अंतिम कार्यक्रम है जिसमें तीन विधाओं को एक साथ समाहित किया गया है, जिसमें भरतनाट्यम का अभी आयोजन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद कथक भरतनाट्यम में डॉक्टर स्मिता लहकर जी हैं और कथक में श्री विशाल कृष्ण जी वाराणसी से हैं और उनकी टीम, और उसके बाद थिएटर से साधु और सुंदरी एक व्यंग है वो ग्वालियर राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर विश्वविद्यालय से डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का है, वो टीम 21 की टीम है और वो एक अच्छे समाज को दिशा देने का के विचार से इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं जो यहाँ के भी बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ के भी लोग अच्छे प्रोग्राम को देखें और सीखें। खुद में उनकी प्रतिभा तो बहुत ज़्यादा है और भी निखरे, इसलिए हम लोग बाहर से आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट को बुला के यहाँ परफॉर्म कराते हैं।